अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ करने वाले चीन को भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया और उन्हें पीछे लौटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन चार दिन पहले हुई इस घटना पर संसद में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और सदन में रक्षा मंत्री के बयान की मांग की। विपक्ष के तेवर और देश की चिंता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 12 बजे सदन को हकीकत से अवगत कराया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने चीन की इस हरकत पर भारत के जवाब का जिक्र किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। भारतीय सेना की बहादुरी की चर्चा हुई तो सदन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का मेज थपथपाकर स्वागत किया। हालांकि रक्षा मंत्री जब बयान दे रहे थे तब सदन में विपक्ष की ओर से बीच बीच में नारेबाजी और टोका टोकी भी होती दिखी। हालांकि रक्षा मंत्री पर इस टोका टोकी का कोई असर नहीं दिखा और वो भारत की सेना के जवानों की बहादुरी का जिक्र करते रहे। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। यानी रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया कि इस झड़प में चीन के साथ ही भारत के भी कुछ सैनिक घायल हुए। रक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस झड़प में भारत के 6 सैनिक घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी के आर्मी बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इस झड़प में चीन की सेना के घायल जवानों की संख्या भारत से बहुत ज्यादा है, जिस पर पड़ोसी देश ने चुप्पी साध ली। रक्षा मंत्री ने ज्यादा विस्तार में जाए बगैर इस घटना के बारे में जो कुछ बताया उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई। बताया गया कि तवांग के यांगसे इलाके में 9-10 दिसंबर की रात करीब 300-400 चीनी सैनिक नाला पार कर भारत के इलाके में घुस आए। जब संतरियों के साथ मारपीट की आवाजें आई तो फौरन जवाबी कार्रवाई के लिए 70-80 सैनिकों को भेजा गया। रात के अंधेरे में भी घुसपैठियों को भगाने के लिए तैयार सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये झड़प कुछ घंटे तक चली जिसमें हाथापाई से लेकर लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ। मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि इसके बाद लोकल कमांडर ने चीन के कमांडर के साथ एक फ्लैग मीटिंग की और चीन को इस तरह की हरकत से बाज आने को कहा गया। अब भारत सरकार भी इस मुद्दे पर चीन के संपर्क में है। मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि देश की सेना इस तरह की हरकतों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके शौर्य और पराक्रम पर किसी तरह का संशय नहीं। भारतीय सेना के पराक्रम पर देश को शक नहीं, लेकिन 9 दिसंबर की घटना पर कुछ दिनों तक छाई चुप्पी ने विपक्ष को इसे मुद्दा बनाने का मौका दे दिया। मौका मिला तो संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई दोनों सदनों में तवांग के मुद्दे पर शोरगुल शुरू हो गया। हंगामे की वजह से सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करने की भी नौबत आई और जब सदन में रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया तो उनके जवाब से नाखुश विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे। असल में विपक्ष रक्षा मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर सदन में चर्चा भी चाहता था, लेकिन जब तक रक्षा मंत्री बयान देने के लिए सदन में नहीं थे तब तक दोनों सदनों में उनके बयान की मांग होती रही। रक्षा मंत्री ने पूरे मुद्दे पर सरकार का पक्ष रख दिया, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा की मांग शुरू कर दी। क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए सरकार इसकी संवेदनशीलता को समझती है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के दायरे को समझ रहा है इसलिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, जिसकी झलक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मिलने लगी। सरकार को इस विषय में बयान देना चाहिए क्योंकि ये तो कोई नया मामला नहीं है, लगातार हो रहे हैं। कई नेता तो चीन से हुई झड़प के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते दिखे। पार्लियामेंट को आप डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेकर डरते हैं। विपक्ष के तेवर से सरकार को आने वाले वक्त का इल्म हुआ तो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की दुहाई दी जाने लगी। विपक्ष से इतना अनुरोध करता हूं कि ऐसे मौकों पर कम से कम एक दिखाई देना चाहिए।
लेकिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के जैसे तेवर दिखे उससे इस मामले में फिलहाल ना तो तनातनी थमती दिखी और ना ही बयानबाजी। विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी, जो उन्होंने चीन से झड़प के मुद्दे पर ही संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में दी। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह इस बात से नाखुश दिखे कि जब रक्षा मंत्री सदन में बयान देने वाले थे तो विपक्ष ने चीन झड़प के बहाने क्यों प्रश्नकाल को चलने नहीं दिया। अमित शाह ने इसे सदन में पूछे जाने वाले एक खास सवाल से बचने की कांग्रेस की चाल से जोड़ दिया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अमित शाह ने दावा किया कि अगर सदन चलता और उन्हें जवाब देने का मौका मिलता तो वो इसका जवाब देते, लेकिन अमित शाह जो जवाब सदन के पटल पर देना चाहते थे उसे उन्होंने मीडिया के सामने दे दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर चीन से पैसे लेने का आरोप मढ़ा और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली मदद का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। 2005-06 और 6-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त। अमित शाह ने दावा किया कि चूंकि राजीव गांधी फाउंडेशन ने FCRA के कानून का उल्लंघन किया इसलिए संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस के शासन में चीन की वजह से भारत को हुए नुकसान का भी जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले की तुलना राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों से करने पर नाखुशी जताई। अरे उसका इसका क्या संबंध है, तुम अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा है, देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस को इस बात का भी मलाल रहा कि गृह मंत्री ने चीन के मुद्दे पर संसद के अंदर अपनी बात न रखकर बाहर क्यों रखी। रक्षा मंत्री कुछ खुद को रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जगह अमित शाह ले लिया है, बाहर बोलते हैं अमित शाह, अंदर बोलते हैं रक्षा। जाहिर है इस मामले में लंबे समय तक सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। संसद पर हुए हमले के 21 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के बारामुल्ला जिले में सुरक्षा बलों ने IED से विस्फोट की साजिश नाकाम की। सोपोर के तुलीबल इलाके में मिले IED को CRPF और बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल में अभी तक 212 तरह के टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। काशी विश्वनाथ धाम ने अपने पहले ही साल में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और चढ़ावे में करीब 100 करोड़ की नकदी और सोना चांदी चढ़ाया। तवांग में भारत और चीन की झड़प से पहले चीन के ड्रोन्स ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में 2-3 बार ऐसे मौके आए जब चीनी ड्रोन ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिसके बाद संभावित खतरे से निपटने के लिए भारत ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों को उतारा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय वायुसेना के कई ठिकाने हैं। असम के तेजपुर और छाबुआ सहित कई जगहों पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसके अलावा रफाल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात किया गया है। लिहाजा जैसे ही चीन की ड्रोन आर्मी ने LAC के उल्लंघन की कोशिश की, भारतीय फाइटर जेट ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ दिया।